बापू सभागार भवन, ये सारे पैसे घोटाले हुए, नगर निगम का टोटल पैसा घोटाला हुआ, एस्टीमेट घोटाले के साथ सारे घोटाले। इसमें हम लोगों ने इंक्वायरी डिमांड किया था कि हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के साथ साथ हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में ये जांच हो, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। दूसरा डिमांड किया था 5000 से लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपया पटना के आम लोगों की संपत्ति बर्बाद हुई है, सरकार उसको भरपाई करे, छोटे से लेके अमीर तक। उस पर सरकार कोई काम नहीं, 6000 रुपया ऊंट के मुंह में जीरा फौरन, ये राजनीति करने के लिए बात कर रहे हैं। तीसरे तरफ जो पदाधिकारी और मंत्री इन्वॉल्व है उसको जेल में भेजने का डिमांड, और 302 का मुकदमा और निगलेंसी का मुकदमा, जिसके चलते लोग मरने और जीने के बीच में फंस के रह गए। आत्महत्या करवाने पर विवश किया, ये मुकदमा इन पदाधिकारी और मंत्री पर अकाउंटेबिलिटी तय हो और इस पर मुकदमा करके जेल भेजा जाए, आपने वो भी नहीं किया। चौथी तरफ जब आप कोई सुविधा हमें नहीं दे रहे किसी भी तरह की, जो आप कानून नियम बनाते हैं वो भी नहीं, ना नगर निगम से सुविधा मिलती है, और उल्टे ही आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश बिहार और सबसे ज्यादा बिजली का बिल बिहार, मैंने कहा इसको खत्म करो। तीसरा चीज मैंने कहा कि सबसे गरीब बिहार जमीन की कीमत ज्यादा और 10% रजिस्ट्री होल्डिंग टैक्स उसको खत्म करो। और चौथी चीज, लगभग किसानों की जो कागजात है ब्लॉक में कर्मचारी के पास वो गायब है, लगभग। अभी एक महिला रो रही थी कि कागज मेरे पास और जमीन किसी कब्जे कर लिया, कह रहा मेरा। अभी मैंने एडीएम से कहा इसकी इंक्वायरी और ऑनलाइन करो। इन सारे मुद्दों को लेकर जो मुद्दा हम लोगों का साफ था, इंक्वायरी, माफी, बिजली बिल कम, आम जनता पर बोझ नहीं, और जो नियम बने थे झुग्गी झोपड़ी से लेकर वेंडर्स, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर अन, इन डिमांड के साथ बेरोजगार, रोजगार नहीं तो सत्ता नहीं, सरकार नहीं, और सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, इस निर्णय के साथ लगातार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। साथ साथ हमारी जो बड़ी लड़ाई बसंत चौधरी साहब, रमेश जी जो साथ लड़ रहे हैं, किशोरी साहब और अन्य भी, उसमें हम लोगों ने एक डिमांड आज किया है कि किसी भी कीमत पर बिहार में दूध की कीमत 50 रुपया किलो सरकार तय करे, क्रय मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। ये इस आंदोलन के साथ 24 तारीख को राजेंद्र नगर से हम लोग मार्च करेंगे 11 बजे, पटना की जनता की जीत, उसका नाम है जन क्रांति महासंग्राम मार्च, जन क्रांति महासंग्राम मार्च, राजभवन तक, पटना की हर परिवार और घर को निमंत्रण हम देने जा रहे हैं, आइए और एक मुकव्वल आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार में हो। 30 सालों में और 15 सालों में जिन लोगों ने बिहार की गरीब और आम और खास जनता की जिंदगी नासूर बना दी, उसके खिलाफ जन क्रांति महासंग्राम की आगाज 24 तारीख राजेंद्र नगर से पटना की जनता के लिए, पटना की जनता के द्वारा, बिहार की जनता के लिए, बिहार के जनता के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि खड़े होंगे और इस लड़ाई को जब तक इंक्वायरी, जब तक लोग जेल नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट से इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और हम आह्वान करेंगे
कि इनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया जाए जब तक हमें सुविधा नहीं देती।